नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी इस वक्त क्रिकेट से दूर हैं। हालांकि अब से करीब 7 दिन बाद ही धोनी एक बार फिर मैदान में उतर सकते थे, लेकिन कोरोना ने ऐसा नहीं होने दिया। आईपीएल का शेड्यूल तय होते ही धोनी के फैंस ये जान गए थे कि धोनी किसी दिन मैदान में बल्ला लेकर उतरेंगे और फिर से वही रोमांच देखने को मिलेगा। लेकिन जब से आईपीएल 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित हुआ है, तब से तो जैसे धोनी के फैंस पर निराशा का पहाड़ ही टूट पड़ा है। आज हम आपके लिए आपके पसंदीदा स्टार एमएस धोनी को लेकर नए अपडेट्स लेकर आए हैं। हम आपको सारी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको अभी के अभी करना है एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब और नीचे दिख रही घंटी को भी बजाना है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के लिए एक और बुरी या यूं कहें कि निराशाजनक खबर आ रही है। दरअसल उन्हें इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल नहीं किया गया है। आप कहेंगे कि धोनी तो पहले ही टीम इंडिया से बाहर है, तो आइए आपको समझाते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल इंस्टाग्राम पर इंडियन क्रिकेट टीम के नाम से एक अकाउंट है जिसे बीसीसीआई नहीं बनाया है। ट्विटर पर तो बीसीसीआई के नाम से अकाउंट है, वहीं इंस्टाग्राम पर इंडियन क्रिकेट टीम के नाम से अकाउंट है। तो इस इंस्टाग्राम वाले अकाउंट पर 13 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो गए हैं। इस बड़ी उपलब्धि पर बीसीसीआई की ओर से सभी क्रिकेट फैंस को धन्यवाद बोला गया है और कुछ खिलाड़ियों के फोटोज भी लगाए गए हैं। जिन खिलाड़ियों की तस्वीर लगाई गई है उनमें कप्तान विराट कोहली, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, सलामी बल्लेबाज और हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा, सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और केएल राहुल शामिल हैं। तो इस इंडियन क्रिकेट टीम के इंस्टाग्राम पर एमएस धोनी का जिक्र नहीं किया गया है, ये बात धोनी के फैंस को अच्छी नहीं लग रही है। इतना ही नहीं, पुरुष तो पुरुष, महिला खिलाड़ियों को भी इस कोलाज में लगाया गया है, लेकिन धोनी को नहीं। तो चलिए अब जरा आगे की रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। केवल पुरुष टीम ही नहीं, यहाँ पर इन खिलाड़ियों के अलावा महिला क्रिकेट खिलाड़ियों की तस्वीर भी लगाई गई है, जिनमें महिला कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, पूनम यादव शामिल हैं। इतने खिलाड़ियों के होने के बाद भी क्रिकेट फैंस जिस एक खिलाड़ी को ढूंढ रहे थे उसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, इतने महिला और पुरुष खिलाड़ियों में कहीं तो एमएस धोनी होने चाहिए थे, लेकिन वो इस फोटो में नहीं है। यही बात क्रिकेट फैंस या यूं कहें कि धोनी के फैंस को अच्छी नहीं लगी है। अब क्रिकेट फैंस यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनके पसंदीदा एमएस धोनी की तस्वीर इस कोलाज में क्यों नहीं है। इस कोलाज में उन्हीं खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो इस वक्त टीम के लिए खेल रहे हैं, लेकिन इस इंस्टाग्राम अकाउंट में उन लोगों का भी पूरा योगदान रहा है जो अब क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। लोग तो धोनी ही नहीं, अन्य खिलाड़ियों का भी नाम ले रहे हैं। हालांकि कुछ फैंस तो ये भी पूछ रहे हैं कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और दादा यानी सौरव गांगुली इसमें क्यों नहीं है। लेकिन जिस खिलाड़ी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है एमएस धोनी। एमएस धोनी को पहले लोग माही भी पुकारते थे, लेकिन अब वो सबके थाला यानी बड़े भाई हो गए हैं। थाला क्या होता है, इस बारे में खुद धोनी ने ही एक वीडियो में बताया था। आपको बता दें कि इससे कुछ ही दिन पहले बीसीसीआई के ट्विटर और इंडियन क्रिकेट टीम के इंस्टाग्राम अकाउंट से एमएस धोनी की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर पोस्ट की गई थी। अचानक से धोनी की मुस्कुराती तस्वीर देखकर क्रिकेट फैंस दंग रह गए थे। उन्हें लगा था कि धोनी के लिए कोई अच्छी खबर आने वाली है, लेकिन अब धोनी को इंस्टाग्राम अकाउंट में शामिल नहीं किए जाने से फैंस नाराज भी हैं और निराश भी। तो ये तो रही धोनी की बात, लेकिन आईपीएल को लेकर हम आपके लिए लगातार वीडियोस बना रहे हैं, उन पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। आने वाले कुछ ही दिन में आईपीएल को लेकर बड़ी अपडेट्स सामने आने की संभावना है। जैसे ही कुछ नया होगा हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन ये वीडियो आपको सबसे पहले मिले इसके लिए आपको एनएन स्पोर्ट्स को अभी के अभी सब्सक्राइब करना है और साथ ही नीचे दिख रही घंटी को भी आपको बजाना है ताकि आपको अपडेट्स फौरन मिल जाए, नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। तो अभी के लिए इतना ही, जल्द फिर मिलते हैं। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एनएन स्पोर्ट्स।